जीवन में वाणी को संयम ही रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है, यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाएगा। ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों के संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझ लिया जाता है और सम्मान का पात्र समझा जाता है। यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन व्यक्ति की संगत में बैठता है तो उसे तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर सावधानी से बनाए। जो मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। जीवन में कितना भी बुरा समय आए लेकिन हमेशा परिवार के साथ रहें, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा और दुख आएगा तो बटेगा। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो वो लोभ को जन्म देती है, जब तक वह संतुष्ट नहीं होता तो क्रोध जन्म होता है। काम, लोभ और क्रोध तीनों के प्रभाव में आकर मनुष्य पाप करता है। बोलना तो सभी जानते हैं लेकिन कब और क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, और ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। कुदरत ने दो ही रास्ते दे रखे हैं, देकर जाओ या तो छोड़कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन फिर भी मनुष्य से समझता ही नहीं है। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए। उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। आप बहुत से लोगों को जानते होंगे लेकिन कुछ ही आपको समझते हैं। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा सच जरूर बोलो जो करवा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी भी ना बोलो जो सच लगे। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में वचन दे, ना ही दुख में कभी निर्णय ले। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें सच्चाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के कई इंसान हैं। उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। समय एक सा नहीं रहता है, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। ये पांच चीजें अभी से छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, अपने भूतकाल में जिंदगी जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना और ज्यादा सोचना, तभी आप सबसे बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। आजकल किसी के गुणों से ज्यादा रूप, रंग और कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना, एक दिन रूप, रंग और कपड़े तो धोखे दे ही जाते हैं, पर जिसमें गुण है वह हमेशा साथ निभाएंगे। जो व्यक्ति किसी के चेहरे पर
हंसी और जीवन में खुश लाने की क्षमता रखता है। ईश्वर उसके चेहरे पर कभी हंसी और जीवन में खुशी कम नहीं होने देते। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। धन से ही नहीं, मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले लगे हो, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आपकी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। अहंकार में धन, वैभव और वंश तीनों चले जाएंगे। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। भोजन की कीमत भूख के समय होती है और भगवान की कीमत दुख के समय होती है। इसलिए अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतकाल में माया किसी का साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का बहुत ही कीमती शब्द है, लेकिन इस क्षमा का कब कैसे इस्तेमाल करना है ये बहुत ही आवश्यक है। पहला, अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो इसमें आपकी ही हानि है, क्योंकि क्षमा ना मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है और अहंकार तो हमारी हानि ही करता है। दूसरा, अगर कोई अपराध करे तो आपसे क्षमा भी ना मांगे तो उसे क्षमा मत करिए, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिन मांगे किसी को क्षमा देना आवश्यक नहीं। तीसरा, यदि कोई आपके साथ अपराध करे, अनुचित करे और बाद में क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा और यह आपके लिए शुभ ही है। चौथा, अगर आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगना। इससे आपको लाभ ही होगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति आपको क्षमा करे या ना करे, आपके अंदर का अहंकार गिरता है और आपका मन अधिक निर्मल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए, वो ही अपना है, बाकी तो बस दुनिया है। दुनिया के ये चार स्थान जो कभी भरते नहीं, समुद्र, इच्छा का घड़ा, शमशान और मनुष्य का मन। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल मित्रता है। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी ना किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज़्यादा सुनता है, जितना हम पूछते हैं उससे ज़्यादा जवाब देता है, जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो बल का अहंकार करें ना ही अपने धन का।